प्लीज इसको याद रखिएगा, बिकॉज जस्ट रीडिंग रीडिंग आपको इस पेपर में पास नहीं करवा सकती। यू हैव टू मेक नोट्स। मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, ऐसा मैंने कोई नहीं देखा जिसने नोट्स ना बनाए हो। सो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन मेक डिजिटल नोट्स, उनको प्रिंट आउट करा लें या उससे पढ़ लें, और यू कैन मेक ऑफलाइन नोट्स पेपर पे, बट यू हैव टू मेक नोट्स। देर इज नो इफ एंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई नेम इज सचिन अब्रोल। रिसेंटली हैव सिक्योर्ड रैंक 16 इन जम्मू एंड कश्मीर PCS एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ट्रेनिंग चल रही थी और हम काफी बिजी स्केड्यूल था, तो इसलिए हमने कोई नया वीडियो नहीं डाला। लेकिन मेरा दिल से मन था कि मैं जो एस्पिरेंट्स अब रिसेंटली 180 के आसपास पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं JKPSC की, उनके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं। काफी कमेंट्स और काफी पर्सनल मैसेजेस आते हैं इसके रिलेटेड कि प्लीज शेयर यू नो पुट सम मोर लाइट। तो उसी एजेंडे के साथ यू नो आई विल बी मेकिंग सम 1, 2, 3 शॉर्ट वीडियोज ऑन वेरी स्पेसिफिक टॉपिक्स। राइट, मेरे दिमाग में है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक सीरीज चलेगी जो आपको बताएगी कि अगर ज्योग्राफी पढ़नी है आपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो कैसे पढ़नी है। थोड़ा उसमें ज्यादा एक इन डेप्थ एनालिसिस होगा, और फिर सेम वेज पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। सो इन सबको आपने डिटेल्ड कैसे पढ़ना है, राइट, इसके लिए एक मेरे दिमाग में एक सेगमेंट है। मैं धीरे धीरे वो अपलोड करूंगा वीडियोस। प्लस जो आज मैं कवर करने वाला हूं वो ये है कि हाउ टू मेक नोट्स, क्यों बनाए उनको, वाई दे आर इंपॉर्टेंट, और अगर बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। एक सेक्शन ये होगी, और एक मेरे दिमाग में इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है कि आंसर राइटिंग। व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स, आपने नोट तो बना लिया लेकिन जब आप उसको लिख रहे हो पेपर पे तो वो कैसे लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीलिम्स तो काफी लोग पास करते हैं लेकिन मेंस इज द थिंग विच इज द यू नो एक्चुअली द मेन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, जिसके नंबर काउंट होते हैं और उसके साथ इंटरव्यू लगा के आपकी सिलेक्शन होती है। तो हमारा फोकस वहां पे है कि आप मेंस में कैसे आउट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स मैंने जैसे आपको कहा है वो लोग, अगर आप एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी भी फॉलो करोगे तो आराम से वो हो जाता है, लेकिन मेंस के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक और सीरियस, आपको आज से होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज हाउ टू मेक नोट्स एंड व्हाई टू मेक नोट्स। सो पहली बात तो यह है कि क्यों नोट्स बनाएं। देखिए, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं हमारे पास काफी बुक लिस्ट होती हैं टॉपर्स की, मार्केट में पता होता है कि ये बुक्स पढ़नी है, हम वो पढ़ते हैं, राइट। बट होता क्या है, नॉर्मली जब मैं स्टार्ट में तैयारी कर रहा था तो मैंने भी ये गलती करी है। मैं बुक्स पढ़ता था और मुझे लगता था कि बाय जस्ट रीडिंग मेरे को वो चीज आ रही है, लेकिन रियलिटी में होता क्या, रियलिटी में 4 से 5 महीने के बाद आपको वो पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है। सिर्फ कीवर्ड्स याद रहते हैं कि हाँ ये चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है, बट दैट इज यू आर नॉट क्लियर एंड यू हैव डोंट हैव दैट पूरी की पूरी बुक का जो मटेरियल है वो आपके दिमाग में, ठीक है। तो इट्स यूजलेस मेरी नजरिए से, तो उसको कोई फायदा नहीं पढ़ने का, जस्ट यू आर रीडिंग द बुक। तो मेरे हिसाब से वो हुआ फैमिलराइजेशन विद द बुक, बट यू डोंट नो द सब्जेक्ट जो चाहिए आपको लिखने के लिए। तो इसके लिए नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक जर्नल जो आपके दिमाग में एक परस्पेक्टिव होना चाहिए कि जब भी आप कोई नई बुक पढ़े, फॉर एग्जाम्पल आप लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो आपने सबसे पहले उसको एक फर्स्ट रीड देनी है, उसमें अपने नोट्स नहीं बनाने। जस्ट यू हैव टू बी यू नो फैमिलियर विद द टॉपिक्स, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द लक्ष्मीकांत, कि आर्टिकल्स, सेक्शंस की बात करता है वो, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, प्रीएम्बल की बात करता है, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि वे चीजें क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो यू हैव टू गो थ्रू दैट, और भी फास्ट रीडिंग होनी चाहिए। सेकेंडली जब आप उसको सेकेंड रीड करेंगे, जैसे आपकी फर्स्ट रीड खत्म होगी उसी के बाद आप सेकेंड रीड स्टार्ट करोगे, जैसे आप सेकेंड रीड स्टार्ट करोगे उस बुक की, तो आपने तब नोट्स बनाने हैं, राइट। तो ये मैंने आपको बताया कि क्यों नोट्स बनाने चाहिए, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमेशा सेकेंड रीड में बनाइए, ओके। अब देखिए, जब आप उसको सेकंड रीड में नोट्स बना रहे हैं तो आपका एजेंडा क्या होना चाहिए दिमाग में, भाई कितने नोट्स बनाऊं। अगर आप 100 पेज की आप बुक पढ़ रहे हो तो नोट्स होने चाहिए 20 से 25 पेज, मतलब कि 25% ऑफ व्हाट यू रीड शुड बी नोट्स फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में लेके चलना है, ये नहीं कि आपने 100 पेज के 100 पेज में ही नोट्स बना दिए, ओफ अगेन द सेम वर्ड यूजलेस हो जाएंगे, ओके। सो आराम से बनाइए और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा जब आप अच्छे नोट्स बनाएंगे।
अब मैं आपको बता रहा हूं साइकोलॉजी, मैं आपको बताना चाहूंगा साइकोलॉजी क्या होती है। जब आप नोट्स बनाते हो तो जो आपका माइंड है वो उस पूरे जो आप चीज पढ़ रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल आप प्रियम्बल को पढ़ रहे हो ठीक है, और आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हो, तो वो पूरा का पूरा कंडेंस करता है अपने दिमाग में कि ये फंडामेंटल राइट है, ये है, और फिर आप उसका एक कंडेंस्ड वर्जन आप नोट्स में लिखते हो कि भाई इसके सिर्फ मैंने ये लिखने हैं कि एक्सेप्शन जिसमें क्या क्या है, पब्लिक हेल्थ मोरालिटी है ना, पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी, तो आपने सिर्फ ये एक्सेप्शंस लिखनी है राइट। तो ये आपको बाकी जो बाकी सब आपने पढ़ा वो आपके दिमाग में चिपका रहेगा, जब भी आप वो चीज पढ़ोगे अपने नोट्स को कि उसका बैकग्राउंड क्या था लिखने का, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, वो आपके दिमाग में आपका दिमाग करेगा, और वो बहुत जरूरी चीज है राइट। तो जब आप नोट्स बना रहे हो राइट, और वो 25% है जो आपने पढ़ा है, तो उसके बाद आपने आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, जब आप उसको पूरा खत्म कर पाएंगे, एक फॉर एग्जाम्पल हमने लक्ष्मीकांत की बात करी थी, तो आप जब लक्ष्मीकांत के पूरे नोट्स बना रहे हो राइट, तो जब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड में ठीक है, कि भाई सिर्फ मेरे पास अगर मैंने 400 पेज की बुक पढ़ी है तो अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 पेज है मेरे पास जो मेरे को रिवाइज करने हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस है, और जब आप उसको बार बार रिवाइज करोगे वही आपको पास करवाएगा ठीक है। और ये अल्टीमेट स्ट्रेटजी है अपने में, इट्स अ कंप्लीट स्ट्रेटजी। लोग इसकी लेवल्स में होते हैं और वो पेपर पास कर देते हैं या प्रीलिम्स पास कर देते हैं राइट, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट, बट वो उसी प्रोसेस में उनके क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं कि उनको वो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होता है ठीक है, तो वो पास कर जाते हैं। बट जो मैं आपको भी बता रहा हूं ये है कंप्लीट स्ट्रेटेजी, अगर आप इसको फॉलो करेंगे देर इज, इट इज नॉट अ शॉर्टकट बट इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो आपको फर्स्ट टाइम में पास करने की गारंटी देता है राइट। आई डोंट थिंक सो जो ऐसा पढ़ेगा उसमें कोई भी उसको दिमाग में कोई भी टेंशन होगी प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यूज में, बिकॉज इसका जो एजेंडा है अल्टीमेटली पढ़ाई का वो है इंटरलिंकेजेस और कंसेप्चुअल क्लैरिटी राइट, इंटरलिंकेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट्स और कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ऑल द टॉपिक्स, ये जो एजेंडा है ना हमारी पढ़ाई का बस ये है। और आप अगर नोट्स बना रहे हैं ये दोनों के दोनों एजेंडे हमारे फुलफिल होते हैं। ओके सो मैं आपको एक डेमो पेज दिखाऊंगा कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कैसे बनाना चाहिए। ओके सबसे पहले आपने एक लूज शीट लेनी है राइट, A4 साइज, उसको आपने हाफ फोल्ड करना है राइट। तो आपको बेसिकली अभी चार इसके साइड्स छोटे छोटे बन चुके हैं, आपने क्या करना है, आपने पहले फर्स्ट साइड यूज करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ। ये इसलिए क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा आपके दिमाग में, जब आप ऐसे शीट्स बनाएंगे तो स्पेस कम होगी, कंटेंट ज्यादा होगा और पेजेस कम बनेंगे, तो आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल इंपैक्ट रहेगा कि भाई मेरे को सिर्फ 25 पेज पढ़ने हैं, मेरी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो रही है, मेरे को 20 पेज पढ़ने हैं, मेरी ज्योग्राफी खत्म हो रही है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। जब इसको एक्चुअली करेंगे तब आप याद करोगे मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन फिलहाल आप इसको मान लीजिए। तो ये है एक पेज जो मैंने बनाया हुआ है, सी यहां पे हमने कुछ लिखा है, यहां पे हमने कुछ लिखा है, सी बिल्कुल माइक्रो में हम लोग गए हैं राइट, बिल्कुल माइक्रो टू द पॉइंट ठीक है। जब आप नोट्स बना रहे हैं कोई इज एम आर ये सब लगाने की कोई जरूरत है नहीं, बुलेट्स में लिखिए जो चीज आपका दिमाग को लगता है कि मेरे को नहीं आती वो चीज लिखिए। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब आप शुरू शुरू में नोट्स बनाएंगे तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी ठीक है, ये आप चीज रियलाइज करोगे जब आप 5 से 6 महीने तक नोट्स बना रहे होंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि जो मैं शुरू में नोट्स बना रहा था उसमें क्वालिटी और जो मैं आज बना रहा हूं उसमें फर्क है, और वो आएगा ठीक है। और इसमें सामने दिखता है कि आपकी जो लेवल्स हैं, जो आपकी मेंटल लेवल्स होती हैं प्रेपरेशन में, वो आपकी काफी बढ़ चुकी है ठीक है। सो दिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये चीज आपको फॉलो करनी है कि आपने जो नोट्स बनाने हैं वो हर एक चीज के बनाने हैं, इसमें अपने डाउट में कभी दिमाग अपने दिमाग में सॉरी, आपको बस एक चीज फॉलो करनी है कि कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी, वेदर इट इज करंट अफेयर्स, वेदर इट इज जनरल स्टडीज, वेदर इट इज आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं जिसमें आपको लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड है, आपको उसके नोट्स बनाने हैं। सो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मेक डिजिटल नोट्स, उनको प्रिंट आउट करा लें या उससे पढ़ लें, और यू कैन मेक ऑफलाइन नोट्स पेपर पे, बट यू हैव टू मेक नोट्स, देर इज नो इफ एंड बट, इफ यू वॉन्ट टू क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू मस्ट डू इट ठीक है। और आपके जो टाइम है जो आप पहले गलती से सीखोगे वो आपका बच जाएगा राइट। जो मैंने गलतियां करी हैं प्लीज डोंट डू, और यही था फॉर मेकिंग द नोट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो रहेगा आंसर राइटिंग, कि अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो आपने आंसर्स लिखने कैसे हैं, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन ऑफ योर नोट्स इन द आंसर फॉर्म,
जो आपको एक्चुअली में नंबर देगा और वही आप कैरी करके लेके जाओगे और वो आपको पास करवाएगा, राइट? सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू.